हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। मैंने आप लोगों को क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जो है द लिविंग वर्ल्ड, वो मैंने पूरा करा दिया है। ठीक है, तो आप उसे देख लीजिएगा। मैंने उसके तीन पार्ट करवाए हैं, पार्ट वन, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड। तीनों पार्ट में मैंने सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं उसमें, जैसे कि सारे पार्ट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, सब कंप्लीट करवा दिए। तो पूरा इंट्रोडक्शन दे रखा है, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स को, किस किस कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करा जाता है, किस किस तरीके से अरेंजमेंट करा जाता है, कैसे नोमेनक्लेचर दिया जाता है, नाम दिया जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया, हमने हर चीज़ पढ़ ली, रूल्स पढ़ लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, किस तरीके से हम नाम को लिखते हैं, कैसे टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, हर चीज़ पढ़ लिया। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है स्पीसीज, सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है किंगडम, किस तरीके से अरेंज होता है उसको हम हायरार्की बोलते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हर चीज़ का मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, तीन पार्ट में मैंने कवर कर दिया है। थर्ड पार्ट में हमने देख लिया था कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, तो हमने हर्बेरियम के बारे में पढ़ा, हर्बेरियम शीट के बारे में पढ़ा, बॉटनिकल गार्डन के बारे में पढ़ा, म्यूजियम्स के बारे में पढ़ा, जूलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ा, हमने की के बारे में देखा। जो हमने की पढ़ा वो थोड़ा डिफरेंट था, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको काफ़ी ढंग से समझाया है। ओके, आज हम करेंगे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके एनसीईआरटी के बुक में, चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं थोड़े से, तो उसको मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप देखिएगा। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। ये कह रहा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम क्लासीफाई क्यों करते हैं। अगर हम चीज़ों को क्लासीफाई नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये किस कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहन के जा रहे हो शूज़, आपको पता ही नहीं कि वो शूज़ है, तो आप उसको क्या नाम दोगे? आप शर्ट? नहीं ना, हर चीज़ का एक नाम होता है, हर चीज़ का एक क्लासिफिकेशन होता है। आप बुक्स भी जब पढ़ते हैं, जो बुक शेल्फ में आप बुक्स रखते हैं, तो आप एक कैटेगरी के हिसाब से, क्लास के हिसाब से रखते हो उसे, कि पहले बड़ी बुक्स फिर ऊपर छोटी बुक्स, इस तरीके से तो अरेंजमेंट होता है। आप जब कपड़े भी अगर आप अपने अलमीरा में रखते हैं सेट करके, तो उसको भी आप अरेंज करके रखते हैं, जीन्स का सेक्शन अलग, टी शर्ट का सेक्शन अलग, विंटर्स का सेक्शन अलग। तो हर चीज़ का एक सेक्शन होता है, हर चीज़ का एक क्लासिफिकेशन होता है, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अब देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी अबाउट ईच एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिटेल। आप हर ऑर्गेनिज्म को डिटेल में नहीं पढ़ सकते। मतलब आपने एक ऑर्गेनिज्म लिया और उसका पूरा ढंग ऐसे पढ़ने लगे, नहीं, उसको पहले आपको तोड़ना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे कि हमें स्किन के बारे में पढ़ना है, फिर तो डर्मेटोलॉजी होती है। ओके, हमें इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है तो उसकी अलग ब्रांच होती है, हमें आउटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है तो उसकी अलग ब्रांच होती है। तो यही चीज़ है, आप किस तरीके से आप करते हैं। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स मेक इट इजियर टू नो अबाउट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। अब क्लासिफाई करने से हमें पता चलता रहता है अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के बारे में। अगर हम क्लासिफाई नहीं करेंगे चीज़ों को कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, तो उसे हम अलग अलग कैटेगरी में कैसे रखेंगे, समझेंगे कैसे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? अलग कैटेगरी रखनी पड़ेगी पहले उस चीज़ की, फिर हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लोथ्स को लेकर चलिए, जैसे कि क्लोथ्स हैं, तो क्लोथ्स की भी एक कैटेगरी होती है। अगर हमें शादियों में जाना है तो हम एथनिक वियर पहनते हैं, तो वो एक अलग कैटेगरी है। हमें दोस्तों से मिलने जाना है तो हम कैजुअल ड्रेस पहनते हैं, हमें किसी मीटिंग में जाना है तो हम फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं। तो जब तक इन्हें हमने नाम नहीं दिया, जैसे हमने फॉर्मल नाम दे दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि हम फॉर्मल किसकी बात कर रहे हैं, पैंट शर्ट टाई जैकेट ब्लेजर इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब क्लासिफिकेशन से हमें इवोल्यूशन के बारे में भी पता चलता है कि इवोल्यूशन किस किस तरीके से कैसे कैसे हुआ, ह्यूमन से इंसान की कैटेगरी कैसे कैसे चेंज हुई। पहले ह्यूमन कैसा दिखता था, अब कैसा दिखता है, पहले ऑर्गेनिज्म कैसे दिखते थे, अब कैसे दिखता है, तो वो इवोल्यूशन पूरा पढ़ पढ़ के सॉरी तो हम समझ पाते हैं क्लासिफिकेशन से। साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। ओके, ये बहुत ज़रूरी है कि साइंटिफिक जो नेमिंग दी जाती है, जैसे हमने पढ़ा कि कार्ल लीनियस ने नेमिंग दी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो साइंटिफिक नेमिंग है। किस हिसाब से दी? वो क्लासिफिकेशन करके, पहले क्लासिफाई करना पड़ा चीज़ों को। ओके, आप समझ रहे हैं, इसको आप ढंग से देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। ये कह रहा है कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो नाम रखने की प्रक्रिया है या फिर कैटेगरी बनाने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बार बार चेंज क्यों होता रहता है? अब चेंज इसलिए होता है, कारण ये है कि आपकी इस अर्थ पर स्पीसीज आती हैं, कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, कुछ नई स्पीसीज बनती हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो
इसी चक्कर में हमें हमें पूरा जो डायरी है, जो पूरा सेटअप है, वो बार बार मॉडिफाई करना पड़ता है। आप उसे फिक्स नहीं कर सकते कि भाई यही फीचर्स है, नहीं। जब जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च होती रहेंगी, फीचर्स और दिखते रहेंगे और समझ में आते जाएगा, तो उसको हम मेंशन करते जाएंगे। तो देखिए लिख रहा है पहला, एक्सटिंक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीसीज। जो स्पीसीज है आपके पास वो एक्सटिंक्ट हो गई। जैसे बहुत सारी स्पीसीज है जो हाल फिलहाल में एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ठीक है, तो उसको हटा दिया हमने लिस्ट में से। और कुछ न्यू स्पीसीज बनती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, कुछ न्यू स्पीसीज बन रही हैं तो उसको हमने ऐड कर लिया, इसीलिए वो चेंज होता रहता है नाउ एंड देन। ओके, नेक्स्ट। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन? हमने क्या समझा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल? इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन करने से हमें उसकी सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज पता चली, उसके बारे में पता चला। तो क्या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन? हमने क्या पढ़ा उसकी सिमिलैरिटीज, कि हमने एक क्लास में किसी को डाला है, अगर एक स्पीसीज में हमने किसी चीज़ को डाला है तो उसकी कैटेगरी कैसे मैच कर रही है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे क्लास में, ऑर्डर में, फाइलम में, तो कैसे कैसे उसकी जो फीचर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, वो मैच नहीं कर रहे हैं। ओके, तो सिमिलैरिटीज कैसे हैं, डिफरेंसेस कैसे हैं पॉपुलेशन में, उसके बारे में हम जान पाते हैं आइडेंटिफिकेशन से। हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन। अब जब आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप देख पाओगे कि हाँ भाई ये लड़का है, तो हम उसने उससे हमने किसकी लड़के की कैटेगरी में रखी, ये लड़की है तो हमने इसको लड़की की कैटेगरी में रखी। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमने समझा ये डॉग है तो हमने इसको डॉग वाली कैटेगरी में रखा। ओके, तो क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करने में भी हेल्प करता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। अब देखिए नीचे दो नाम लिखे हुए हैं मैंगो के, साइंटिफिक नेम है। अब इसमें ये बताने कौन सा सही तरीके से लिखा हुआ है। अभी पता कैसे चलेगा, जब हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जब हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा तो हमने उसमें देखा कि दो पार्ट होते हैं उसके, ठीक है, एक होता है जीनस पार्ट, जनरल जिसे बोलते हैं, और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम स्पीसीज बोलते हैं। दो पार्ट में लिखा रहता है। जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं जीनस, और सेकेंड पार्ट है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। अब हमने ये देखा तो जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि मैंजीफेरा लिखा है, वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, सही है, दोनों में ऐसे हो रहा है। बट जो सेकेंड पार्ट है इंडिका, उसका जो आई होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो इसमें से जो कौन सा वाला सही होगा, सेकेंड वाला जो लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें इंडिका का आई स्मॉल है। तो ये है सही तरीका लिखने का। तो ये आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, आप रूल समझेंगे उसमें कि कैसे कैसे आप लिखते हैं। ओके, ठीक है। डिफाइन अ टैक्सन, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्कियल लेवल। ये पूछ रहा है कि टैक्सन है क्या भाई साहब, और कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं हमें डिफरेंट हायरार्कियल लेवल पर। ओके, टैक्सन मैंने बताया था आपको कि कोई भी साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज इन टू विच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप। कोई भी किसी भी कैटेगरी दे दी है हमने और उसका साइंटिफिक नेम दे दिया है, साइंटिफिक टर्म दे दिया है उस ऑर्गेनिज्म का, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सन। जैसे कि देखिए आप स्पीसीज है, स्पीसीज में जो भी आएंगे ऑर्गेनिज्म उनका साइंटिफिक नेम होगा, तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज को हम एक टैक्सा बोलेंगे। ऑर्डर में जो आएंगे उसके भी साइंटिफिक नेम होंगे तो उसको हम एक टैक्सा बोलेंगे, समझ रहे हैं। तो जो स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, ये सब क्या है, अपने आप में एक टैक्सा है, अलग अलग छोटे छोटे टैक्सा है। अब इन टैक्सा को हमने अरेंज कर दिया तो हमने क्या कर दिया, इसके साथ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बना दी इसकी, समझ रहे हैं। एक टैक्सन था सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, हमने इसको अरेंज कर दिया अलग अलग टैक्सन को, तो वो क्या बन गया, एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो टैक्सन क्या होता है, साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप। साइंटिफिक टर्म होता है कैटेगरीज का, जिसमें ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप करते हैं, ग्रुप बना देते हैं उनका, एक समूह बना देते हैं। जैसे स्पीसीज में एक समूह बन गया, ऑर्डर में एक बन गया, फाइलम में एक बन गया, किंगडम में एक बन गया, एनिमेलिया और प्लांट, ठीक है। रिप्रेजेंट्स अ रैंक, ये क्या बताते हैं, एक रैंक बताते हैं, एक ओहदा बताता है। आप स्पीसीज में जिसको रख रहे हैं तो समझ पा रहे हैं हम कि उसकी एक रैंक है, वो एक स्पीसीज में आता है, समझ रहे हैं। टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। ये आर गलत है, मिस हो गया यहाँ पे, ये लेवल है। तो टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। टैक्सा इंडिकेट करता है कैटेगरीज को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर, समझ रहे हैं। जैसे स्पीसीज लेवल है, उस पर अलग तरीके से ऑर्गेनिजम्स होंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे। ऑर्डर में अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे। फाइलम में अलग होंगे, किंगडम में अलग होंगे, समझ रहे हैं। एक अलग अलग एक लेवल, डिफरेंट लेवल सेट हो गया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। हमने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की सीक्वेंस पढ़ी थी,
तो उसमें से हमें सही सीक्वेंस बताना है। तो सबसे नीचे क्या आता है? स्पीसीज, ओके। फिर उसके ऊपर जीनस, फिर ऑर्डर, फिर फाइलम। बीच बीच में इसमें क्लास भी आता है, फैमिली भी आती है, बट जो क्वेश्चन है आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो सबसे नीचे क्या आता है? स्पीसीज, फिर आता है जीनस, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फाइलम। ओके, इस तरीके से इसे अरेंज करना। क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, एनसीईआरटी बहुत ईजी होते हैं। अब आपके लिए मैं नीट के भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो आपका बेसिक क्लियर करेगा। आपके चैप्टर का जो भी बेसिक रहेगा वो क्लियर रहेगा उससे। और जब तक आप बेसिक क्लियर ही रखेंगे तब तक आप कॉम्पिटिशन नहीं निकाल पाएंगे, समझ रहे हैं? कॉम्पिटिशन में बेसिक बहुत ज़रूरी है, तो मैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन भी लेके आऊँगा आपके लिए। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।